नमस्कार निमच निमच टुडे में आपका स्वागत है। आज हमारे स्पेशल कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम पहुंचे हैं किलेश्वर महादेव और आज हमारे बीच है सामाजिक साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था कृति के संस्थापक अध्यक्ष किशोर जेवरिया। कृति संस्था को नीमच में 34 साल पूरे होने जा रहे हैं और जब इस संस्था की शुरुआत हुई थी तब किसी ने सोचा नहीं था कि यह संस्था इतना लंबा कार्यकाल पूरा करेगी और करीब 34 वर्षों से निरंतर काम कर रहे हैं। इस संस्था ने जब काम शुरू किया था तब बहुत परेशानी आई थी लेकिन आज एक व्यवस्थित और नीमच की सबसे बड़ी साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था बन चुकी है और आज इस संस्था से कई लोग जुड़े हैं। तो हमारे बीच है कृति के संस्थापक किशोर जेवरिया। जेवरिया जी आपका स्वागत है नीमच टुडे में। धन्यवाद। तो नीमच की ये जो कृति संस्था ये बहुत बड़ी संस्था बन गई है और इसकी शुरुआत किस तरह से हुई थी? राकेश भाई, इसकी शुरुआत इसलिए हुई थी कि नीमच में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ ठप पड़ी थी तो कुछ हमारे मित्रों ने मिलकर सोचा कि एक संस्था बना ली जाए जो नीमच के अंदर साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर काम करे। तो शुरू में कुछ साहित्यिक गोष्ठियाँ काव्य गोष्ठियाँ इस तरह से हुई लेकिन हमें लगा कि खाली गोष्ठियों करने से संस्था का वो स्वरूप नहीं आएगा जो हमने सोचा। तो इसका हमने साहित्यिक सांस्कृतिक और सामाजिक तीनों उद्देश्यों को लेके इस संस्था की स्थापना की। तो फिर हमने इसका विस्तार करा। फिर हमने क्या है कि प्रौढ़ शिक्षा के अंदर काम करा, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चला। प्रारंभ में संस्था में लगभग कितने सदस्य जुड़े हुए थे और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? प्रारंभ में पंडित शिवनारायण जी गौड़ साहब जो थे नई विधा के जो संस्थापक जी थे, उन्होंने कहा कि उनको लेके हम साथ में बैठे और हर्षद राय त्रिवेदी, प्रमोद रामावत, कैलाश भाई थी, मंजूला थी, इस तरह से डॉक्टर माधुरी सोचिया मैडम, ये सब मिलके बैठे और ये इस संस्था को स्थापित करने के लिए मीटिंग करी। फिर धीरे धीरे कुछ और लोग आए जो काव्य गोष्ठियों में और इस तरह से कविताएं करा करते थे। तो शुरू में क्या है कि कवि लोग ज्यादा जुड़ गए तो कविताएं होने लगी। तो मुझे लगा कि सामाजिक उद्देश्य पीछे रह गया, सांस्कृतिक उद्देश्य आगे बढ़ गया। नहीं, सांस्कृतिक उद्देश्य तो बाद में जुड़ा था। पहले क्या है कि काव्य गोष्ठियां होती रही तो हमें लगा कि नहीं, काव्य गोष्ठियों से तो संस्था साहित्यिक सांस्कृतिक और सामाजिक तीन उद्देश्य जो इस संस्था को लेकर हमने करे वो पूरे नहीं हो। तो हमने साक्षरता के अंदर काम करा, सामाजिक और उस समय जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था उसके अंदर हमने काम करा और कई साक्षरता केंद्र चलाया। उसके बाद हमने एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर साक्षरता के लिए निकाली थी 5 सितंबर 2015 और उस रैली से नीमच के अंदर ये एक बात फैल गई कि नीमच में एक संस्था है प्रति जो इस तरह से काम करती। तो उस रैली के बाद एक पहचान मिली और फिर उसके बाद हमने सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर हिंदुस्तान के मशहूर जो गायक हैं अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन था उनका एक कार्यक्रम करा। तो उस अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन का एक कार्यक्रम के बाद सांस्कृतिक क्षेत्र में भी संस्था की पहचान बनी। शुरुआती दौर में लगभग कितने सदस्य हुए थे? शुरुआत में तो करीब 25 सदस्य, फिर बढ़ते बढ़ते 60-65 सदस्य तक हो गए। आप एक प्रसंग बता रहे थे कि आप बैंक में थे तभी प्रमोद रामावत जी ना दो एक लोग आए, उन्होंने संस्था बनाने का जिक्र किया। हाँ, संस्था बनाने से पहले ये लोग प्रमोद जी और ये साहित्यिक क्षेत्र में काम करते थे और मैं सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करता था क्योंकि मेरी रुचि सांस्कृतिक क्षेत्र में ज़्यादा थी तो वो काम करता था। तो इन्होंने आके बैंक में मुझसे कहा कि अपन एक संस्था बना लेते हैं जिसमें हम दोनों मिलकर काम करें तो ज़्यादा अच्छा है बनेगा। तब मैंने उनसे कहा था, मैंने सर संस्था बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, 11 लोग बैठे और संस्था बन जाएगी लेकिन मुख्य काम है संस्था चलाना क्योंकि संस्था चलाना बहुत लंबे समय तक व्यवस्थित चलाना ये बहुत टेढ़ा काम है। तो उन्होंने कहा नहीं, अपन चलाएंगे करेंगे। तो फिर एक मीटिंग करी हमने महेश लाज के अंदर बैठे हम और वहीं इसका नामकरण मंजूला गिर ने कृति नाम सुझाया था तो इस संस्था का नाम कृति रखा गया और पहला कार्यक्रम 1992 के अंदर हुआ था बगाना के अंदर। हमने साक्षरता केंद्र चलाया तो वहाँ पे बच्चों को पहाड़ा पट्टी फ्लैट और वो हमारे जो प्रति के सदस्य होते थे वो जाकर वहाँ पढ़ाते थे, एक घंटा रोज अपना वहाँ देते थे और बच्चों को रोज
वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई। तो मतलब वो जो साक्षरता जो केंद्र था उससे आपका ये कार्यक्रम शुरू हुआ, तो उसके बाद निरंतर यह कार्यक्रम अभी चल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो प्रति ने मैंने देखा कि जन आंदोलन जैसे कौन कौन से आंदोलन है जिसमें भूमिका निभाई। देखो, कृति ने जब ये चीजें करी, साहित्य को सांस्कृतिक काम करे, उसके बाद हमें लगा कि सामाजिक क्षेत्र के अंदर कृति को काम करना चाहिए। तो हमने नगर की समस्याओं को लेकर धीरे धीरे काम शुरू करा और 34 और 36 नंबर घोटाला जो नीमच के अंदर खूब प्रसिद्ध है घोटालों के अंदर, उस 34-36 नंबर के घोटाले को लेकर हमने परिचर्चा करी थी जानी से उसके अंदर नगर पालिका अध्यक्ष भी आए थे। मतलब पहला ही 34-36 घोटाले को लेकर, हाँ, 34-36 का घोटाला बहुत बड़ा घोटाला था और बहुत चर्चा में था, तो इसको लेके फिर हमने कार्यक्रम करा और उस कार्यक्रम में ये बात मतलब स्वीकार की गई कि हाँ, 34-36 नंबर में घोटाला हुआ है, तो इसके अंदर वो उसका जो सूत्रधार था वो भी था और इन सब ने मिलकर माना कि 34-36 नंबर घोटाला हुआ। लेकिन बाद में सरकार ने कोई कार्रवाई करी नहीं, जन आंदोलन के पुत्र उठाते थे और उसके बाद धीरे धीरे हम बहुत सारी यातायात के चिकित्सा पे और मिलावट एक कार्यक्रम आप बहुत प्रसिद्ध था आपका, वो आजकल बंद हो गया, टेपा सम्मेलन। हाँ, 1 अप्रैल को टेपा सम्मेलन होता था और नीमच में पहचान बन गई थी, कुछ कवियों को कुछ राजनीतिक हस्तियों को बुलाकर टेपा के सम्मान दिया जाता था, वो क्यों बंद कर दिया? बिल्कुल, वो टेपा सम्मेलन का कार्यक्रम हमारा बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम था और बहुत अच्छा कार्यक्रम था और इसमें हम राजनेताओं को भी बुलाते थे नीमच के और आसपास के जाने माने क्षेत्र के लोगों को, उसके अंदर नरेंद्र नाटा जी भी आए, उसके अंदर ये श्रीचंद जी भी आए, उसके अंदर घनश्याम पाटीदार भी आए और भी कई मतलब जो बड़ी बड़ी डॉक्टर जाजी भी आए, हमें यहाँ के डॉक्टर माइकी जी और बहुत सारे लोगों को बुलाया और एक मनोरंजन का कार्यक्रम था वो। हाँ, लेकिन क्या है कि जो वो एक जैसे टेपा सम्मेलन उज्जैन का जो होता है, हाँ, उससे अलग हटके ये टेपा सम्मेलन था, इसमें हम सवाल जवाब करते थे। हाँ, और वो सवाल जवाब मनोरंजक के रूप में होते थे, लेकिन क्या होता था कि सवालों से हर कोई सामना कर नहीं सकता, इसलिए क्या है कि कई टेपे हम जब जैसे मान 5 लोगों को सिलेक्ट कराया, 8 लोगों को सिलेक्ट करा, विवाद भाग जाते थे सवालों के डर, आते नहीं थे। हम क्या करते थे, हमारा कोई उसके अंदर तो हम उसको एक दिन पहले हम एक चार्जशीट बनाते थे, वो चार्जशीट एक दिन पहले हम उनको दे देते थे, तो वो सवाल देख के घबरा जाते थे और कई जो आते थे वो उसको बहुत इंजॉय करते थे और वो बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम रहा हमारा वर्षों तक। कितने साल चला वो? मेरे ख्याल में वो कम से कम 20 साल कार्यक्रम चला। फिर उसको बंद करने का कारण था? फिर उसका बंद करने का, जब पेपर नहीं आते तो फिर हम मंच पे किससे सवाल करते, भाग जाते थे लोग, क्योंकि धीरे धीरे लोगों के अंदर जो है ना सहन शक्ति खत्म होती जा रही है, सवालों से सवालों का सामना करने की शक्ति राजनेताओं में और इसमें खत्म होती जा रही है, सवाल नहीं पसंद करते हैं, इनकी तारीफ पसंद करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ था कि नगरीय निकाय चुनाव में भी मैंने देखा कि कृति द्वारा उम्मीदवारों को एक मंच पर लाकर सवाल जवाब किए जाते थे, वो भी पिछले कुछ चुनावों में नजर नहीं आया। उसका हमने शुरुआत जो करी थी कि हम जिसको चुन रहे हैं वोट देके कर रहे हैं, तो हम सवाल कर सकते हैं आपके मन में क्या योजना है, आप क्या करेंगे हम अगर आपको वोट, तो उस उद्देश्य को लेकर हमने कार्यक्रम शुरू करा था और वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और उसके अंदर मतलब नीमच की जनता उलट के आती थी पूरी तरह। लेकिन उसमें आरोप भी लगते नहीं थे कि वो कांग्रेस द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होता था और उसमें भाजपा के लोग नहीं आते थे? नहीं नहीं, प्रायोजित तो किसी आज तक कृति ने किसी से वो नहीं किया है, कृति अपने बल पर काम करती है। ये तो जो अब भाजपा के लोग क्यों नहीं शामिल होते थे वो एक बार देखा, मैंने कहा ना सवालों का सामना करना हर किसी के बस का काम नहीं है, सवालों से हर आदमी भागने की कोशिश करता। हमने देखो जब वहाँ पे कार्यक्रम करा, जब दिलीप सिंह परिहार थे, नंदकिशोर जी पटेल थे इनके साथ भी कार्यक्रम करा, रघुराज जी और ये संतोष जी चोपड़ा के इनके साथ भी कार्यक्रम करा, इसके बाद भीमराव सिंह गुर्जर और ये करा, तो हम हर एक को बुलाते थे और सवाल उनसे करते थे। अब ये किसी के पास विजन है तो जवाब दे देता था, किसी के पास विजन नहीं है तो जवाब दे देता था, कुछ जवाब नहीं दे पाता था तो फिर वो लगाता था कि नहीं ये तो प्रायोजित है। हम तो कहते हैं आप तो आ जाओ अभी भी, आप खुद चलो बैठो कहीं भी, उसके बाद तो हमने विधायक से नगर पालिका अध्यक्ष से सबसे सवाल जवाब करें। कृति को चलाना बड़ा कठिन है, 34 साल से चला रहे हैं, फाइनेंस अर्थव्यवस्था कैसे करते हैं?
मुख्य रूप से तो हमारे सदस्य ही इसके अंदर अपना सहयोग करते हैं और कुछ ऐसे लोग की शहर के अंदर हैं जो प्रत्येक कार्यक्रम को पसंद करते हैं तो वो भी हमारी मदद करते हैं। और फिर हमने 1998 में इस संस्था को जो है रजिस्टर्ड करवा लिया। रजिस्टर्ड कराने के बाद हम सरकार से अनुदान के लिए लगातार प्रयास करते रहे तो कुछ अनुदान मिलने लगा। अभी तो करीब तक पहले 5-10 हज़ार मिलने लगे, फिर 15 हो गए, अभी 25 हज़ार तक हमको अनुदान सरकार से सांस्कृतिक विभाग से मिलता है। तो वो और कुछ हमारे सदस्यों का जो सहयोग होता है वो, और कुछ आप जैसे प्रभुत्व लोग हैं जो समझते कृषि कार्यक्रम अच्छे हैं तो वो। अच्छा, संस्था का उद्देश्य क्या है? कवि सम्मेलन कराना, साहित्यकारों का सम्मान करना, सांस्कृतिक प्रोग्राम करना या जन आंदोलन को उठाना, कोई एक स्पष्ट क्या उद्देश्य? देखो, कृति के तीन उद्देश्य, साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, और तीनों फील्ड में कृति काम करते हैं। साहित्यिक कार्यक्रम में हम परिचर्चाएँ भी करते हैं, विद्वानों को भी बुलाते हैं, व्याख्यान भी करते हैं, काव्य गोष्ठियाँ भी करते हैं, और सांस्कृतिक गतियों में हमने पंडित विश्वविख्यात उनको बुलाया, एमलसन मोमलसन आए, मुनव्वर मासूम आए, अतुल साबरी आए, संजय महाजन आए, कृति कल्पा गुरु उज्जैन का आया, ऐसे कई अयाज खान जो नाटक के अंदर हमने यहाँ प्रदर्शन करा। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में ये काम करें और सामाजिक सरोकार के अंदर शहर से जुड़ी समस्याओं को हमने उठाया। समस्या के ऊपर मतलब चंबल के पानी का जैसे मामला है तो कृति संस्था ने सबसे पहले 2009 में कृति ने ही आवाज़ उठाई थी कि नीमच के अंदर जल समस्या का स्थायी निदान के लिए चंबल का पानी ही एकमात्र विकल्प है। तो शुरू में लोगों ने हंसी उड़ाई कि चंबल से कोई पानी आएगा, इतनी दूर से पानी नहीं आएगा, लेकिन अब आ रहा है चंबल का पानी, 1700 करोड़ की योजना बनी है। हाँ, तो वो हमारा कहना ये है कि नीमच शहर को भी इसमें जोड़ो। अभी नीमच शहर जुड़ावा नहीं है। हमने जब ये योजना नीमच पूरे जिले के लिए इसके लिए उठाई थी तब हमारे इन राजनेताओं ने बहुत मजाक उड़ाया था कि ये बेकार की बात कर रहे हैं, ऐसा काम हो नहीं सकता। लेकिन आज देखें तो उसी मतलब आज कम से कम 215 गांवों में पानी जा रहा है, जिसमें 400 से ज़्यादा गांव नीमच के हैं और 11 नगर पंचायतों में गानी पानी जा रहा है लेकिन नीमच में नहीं मिल पानी बच। हमारा कहना यह, ये योजना बहुत पहले की है, शुरू में जब ये योजना बनी थी तो 815 करोड़ की योजना बनी थी, अगर 2009 की बात बता रहा हूँ। तो अब हमने इस योजना को देखा था कि हमको लगा यार कि नीमच की इस पूरे ज़िले की पानी की समस्या को ख़त्म करने के लिए चंबल से पानी लाने की एकमात्र योजना ऐसी है जिससे यहाँ का दूसरा ये है कि पानी तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन जो यहाँ बीमारियाँ हैं, चंबल का पानी आने से 50% बीमारियाँ जो पेट की वो पानी, क्योंकि बीमारियाँ पेट से शुरू होती है और पेट की बीमारियाँ होती पानी से, अगर हमको पानी शुद्ध और साफ़ मिलेगा, वो बहता हुआ पानी चंबल का पानी जा रहा है, तो हमने कहा कि बीमारियों से भी निजात मिलेगा और हमें चंबल पानी से निजात मिलेगा, इस समस्या से निजात मिल जाएगा। इसलिए हमने चंबल और लगातार हम उठाते हैं और खेल मैदान, खेल मैदान ख़त्म हो रहे हैं, खेल मैदानों को लेकर भी कृति संस्था ने आवाज़ उठाई, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, नीमच शहर की ज़मीनों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। देखो राकेश भाई, आप तो उससे उम्र में छोटे हो लेकिन जब हम इस उम्र में थे, खेलने वाले उम्र में, तो जहाँ निकल जाते थे मैदान ही मैदान थे नीमच के अंदर, जिस जगह निकल जाते थे मैदान ही मैदान थे, धीरे धीरे आबादी बढ़ी और मैदान घटते गए। अब ये स्थिति है कि जो खेल मैदान बचे हैं उनके ऊपर भी यहाँ के लोगों के जो भू माफिया कहलाते हैं उनकी नज़र रहती है कि इस ज़मीन